Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, myself Dhaval Rathod. In this video we will continue our chapter number 10, that is light, reflection and refraction. Jaise ki humne pichle video mein light kya hota hai, reflection kya hota hai, luminous object kya hota hai, non luminous object kya hota hai wo humne discuss kiya tha. To is video mein hum aaj discuss karne wale hain law of reflection of light. Laws of reflection of light को समझने से पहले उसके रिलेटेड थोड़े टर्म्स है वो एक बार हम समझ लेते हैं. सो फर्स्ट वन है इंसिडेंट रे. अब इंसिडेंट रे किसे हम कहेंगे? द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे. तो यहाँ पे एक आपको एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिख रही है, ये जो आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिख रही है उसके ऊपर अगर कोई रे है वो फॉल कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? The ray of light which falls on the mirror is called the incident ray. ये आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है, इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. पॉइंट ऑफ इंसिडेंट किसे कहेंगे? द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. मतलब जो इंसिडेंट रे है वो मिरर के ऊपर जिस पॉइंट के ऊपर वो फॉल्स करेगा उसे हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. ये ब्लैक कलर का आपको डॉट दिख रहा है उसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. वन मोर टाइम, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. मतलब ये जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर मतलब मिरर के ऊपर जहां पे फॉल्स करेगा उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड किसे कहेंगे? द रे ऑफ लाइट विच सेंट बैक द मिरर इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे. मतलब जो इंसिडेंट रे था उसको क्या करेगी? मिरर है, मिरर उसको सेंट बैक कर देगा. जो रे इसके ऊपर फॉल हुआ था उसको क्या कर देगा? वो रिफ्लेक्ट कर देगा. ये आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ये ब्लू कलर का, इस रे को हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे. वन मोर टाइम, द रे ऑफ लाइट which is sent back by the mirror is called the reflected ray. ये जो ray दिख रहा है आपको blue color का उसको हम कहेंगे reflected ray. Next one, normal. Normal किसे कहेंगे? The normal is a line at right angle to the mirror surface at the point of incident. मतलब the normal is a line at right angle. मतलब यहाँ से जो ये line दिख रही है आपको, ये कौन सी? व्हाइट कलर की ये जो लाइन है वो क्या कर रही है? मिरर के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का. तो जो लाइन मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी उसे हम कहेंगे नॉर्मल. नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस. द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. मतलब कि इंसिडेंट रे की मदद से, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की मदद से और नॉर्मल की मदद से जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्या कहेंगे उसको हम? एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये आपको दिख रहा है यहाँ पे इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल की मदद से ये जो एंगल बनेगा इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस. नाउ नेक्स्ट वन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम किसे कहेंगे? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. मतलब जहाँ पे जो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उसकी मदद से और रिफ्लेक्टेड रे की मदद से और नॉर्मल की मदद से, तो ये जो इस साइड मतलब रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल की हेल्प से जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर. नाउ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. आई होप आपको ये सब टर्म्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे. सो अब हम समझेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन. मतलब कि इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है एंड नॉर्मल, ये सभी तीनों कैसे होंगे? एक ही प्लेन में होगा. मतलब ये इंसिडेंट रे है, ना तो इस साइड रिफ्लेक्ट होकर इससे चला जाएगा, ना इससे चला जाएगा, ना तो ये डायरेक्टली स्ट्रेट चला जाएगा. ये सब क्या होगा? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे किसी सेम प्लेन में होगा, मतलब एक ही प्लेन में होगा. नाउ सेकेंड लॉ समझ लेते हैं. सेकेंड लॉ ऐसा कहता है,
The angle of reflection is always equal to the angle of incidence. मतलब कि जो angle of incidence था और angle of reflection वो दोनों कैसे होंगे? Always equal होंगे. मतलब कि angle of incidence and angle of reflection वो कैसे होंगे? Always क्या होंगे? Equal होंगे. I hope आपको second समझ में आ गया. One more time. The angle of reflection is always equal to the angle of incidence. मतलब angle of incidence ये वाला angle और ये angle always कैसे होंगे? Equal होंगे. इसका मतलब I is equal to R होगा. ये जो laws है, it is applied to all kind of mirrors, plane mirror as well as spherical mirrors. ये जो reflection of light के laws थे, वो किसके ऊपर applicable होगा? All kind of mirrors, plane mirrors as well as spherical mirrors. Now हम समझ लेते हैं ऑब्जेक्ट एंड इमेज. ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे और इमेज किसे कहेंगे? तो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट. एनीथिंग व्हिच गिव्स आउट लाइट रेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. मतलब जहां से भी लाइट रेज निकलेगी उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे. हमारा फेस है, फैन ले लो, कोई टॉय ले लो, जहां से लाइट रेज निकलेंगे उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे. नाउ इमेज किसे कहेंगे? इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस produce when light rays coming from an object are reflected from a mirror. मतलब जहां से कोई भी object है, object से light reflect होकर एक point के ऊपर meet होगी और हमें जो चीज दिखाई देगी उसे हम क्या कहेंगे? Image कहेंगे. For example, when we look into a mirror, we see the image of our face in it. In this case, our face is the object and the what we see in the mirror is the image. मतलब कि मिरर में अगर हमारा मिरर में अगर हम देखेंगे तो वहां पे हमारा क्या दिखाई देगा? फेस दिखाई देगा. तो जो हमारा फेस है वो क्या हो जाएगा? आवर फेस इज आवर ऑब्जेक्ट. और जो मिरर में हम देखेंगे उसे हम कहेंगे इमेज. इमेज इज फॉर्मड व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर. मतलब इमेज कब बनेगी? जब कोई ऑब्जेक्ट में से लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहाँ होगी? मिरर की मदद से रिफ्लेक्ट होकर कोई एक जगह पे मीट होगी. तो वो जो जगह होगी उसे हम क्या कहेंगे? इमेज कहेंगे. क्या कहेंगे हम? इमेज कहेंगे. नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ इमेज. अभी इमेज की भी टाइप्स होते हैं. फर्स्ट देख लेते हैं रियल इमेज. द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज. मतलब जो कोई भी इमेज है उसको हम स्क्रीन के ऊपर कैप्चर कर पाएंगे उसे हम क्या कहेंगे? रियल इमेज कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, द इन सिनेमा हॉल वी सी द इमेज ऑफ एक्टर एंड एक्ट्रेस ऑन द स्क्रीन. यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने प्रोजेक्टर और दूसरी साइड स्क्रीन है, तो वहां से प्रोजेक्टर से रेज निकल कर कोई स्क्रीन के ऊपर फॉल कर रहे हैं. तो ये जो स्क्रीन है आपको दिख रही है, वहां पे अवतार का मूवी चल रही है, तो वहां पे जो स्क्रीन के ऊपर जो हमें पिक्चर दिख रहा है उसे हम कहेंगे, ये जो हमारी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? रियल इमेज होगी. मतलब यहाँ से जो दिख रहा है आपको कॉन्वेक्स लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस से क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस से यहाँ से जो भी रे होगी वो रिफ्लेक्ट होकर इसके ऊपर, ये स्क्रीन के ऊपर हमें इमेज दिख रही है. इसका मतलब ये जो इमेज होगी वो इमेज कैसी होगी? रियल इमेज होगी. अ रियल इमेज इज फॉर्म व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर एंड लेंस. मतलब रियल इमेज कब बनेगी? वो लेंस और मिरर्स क्या होगी? रिफ्लेक्ट होकर कोई एक जगह पे मीट होगी तो उसे हम कह सकते हैं वो हमारी जो इमेज बनेगी वो इमेज कैसी होगी? रियल इमेज होगी. रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड. इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपको बेबी एक डॉल दिख रही है, वो क्या हो जाएगी? मतलब बेबी बॉल का आप देख सकते हो, यहाँ से ये जो दिख रहा है वो क्या हो रहा है? यहाँ से आपको उल्टा दिखेगा. इमेज कैसे दिखेगी आपको? उल्टी दिखेगी, उसे हम कहेंगे इन्वर्टेड. अभी आपको एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि भाई सर हम तो भाई सभी इमेज देखते हैं तो वो तो सभी हमें इमेज तो एकदम परफेक्ट दिख रही है, वो तो हमें इन्वर्टेड नहीं दिखती, बट विद दी हमारी आइज में इस तरह से स्ट्रक्चर होता है उसकी वजह से हम जो इन्वर्टेड इमेज होती है उसको हम फिर से जैसे थी उस इस तरह से हमें इमेज दिखती है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. Now, virtual image. The image which cannot be obtained in a screen is called a virtual image. A virtual image can be seen only by looking into a mirror or lens. मतलब कि जो कोई भी image है अगर उसको हम screen के ऊपर capture नहीं कर पाएंगे तो उसको क्या कहेंगे हम? Virtual image कहेंगे. तो virtual image का best example है
हम जब भी मिरर में देखते हैं तो हमारी मिरर में जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई एक साइड मिरर की दूसरी साइड को एक स्क्रीन रखना, वहाँ पे आपकी जो ऑब्जेक्ट है, हम जो है वहाँ से हमारा हमारे जो बॉडी में से जो रेज निकलेंगे वो मिरर में से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे उस स्क्रीन के ऊपर कैप्चर होनी चाहिए, पर वहाँ पे तो हमें कुछ नहीं दिखता। इसका मतलब जो हमारी इमेज जो मिरर में बन रही है वो कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। द इमेज ऑफ अवर फेस इन अ प्लेन मिरर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन वर्चुअल इमेज। अ वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी फॉर्म इन अ स्क्रीन बिकॉज ऑफ लाइट रेज डू नॉट एक्चुअली पास थ्रू अ वर्चुअल इमेज। मतलब वर्चुअल इमेज में से लाइट रेज एक्चुअली पास नहीं होते हैं, जो हमारी इमेज वो होती है वो कैसी हो जाएगी, वर्चुअल इमेज हो जाएगी। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर हम मिरर में देखेंगे तो हमारा जो लेफ्ट हैंड होगा वो मिरर में राइट हमें दिखेगा और जो हमारा राइट हैंड होगा वो हमें लेफ्ट हैंड दिखेगा, उसको कहते हैं हम इरेक्ट। तो यहाँ से अब देख सकते हो, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आईज है, तो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट में से जो भी रेज निकल कर हमारी आईज में क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक्चुअली वो क्या हो रहा है, हमें एक इल्यूजन दिखता है कि हमारी इमेज मिरर में दिख रही है। तो ये जो इल्यूजन होगा उसे हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। अगर यहाँ पे कोई एक स्क्रीन रख दूं मैं, तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ये ऑब्जेक्ट में से रिफ्लेक्टेड होकर यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर क्या दिखना चाहिए, ये इमेज दिखनी चाहिए, बट ये ऑब्जेक्ट की इमेज तो हमें दिखेगी नहीं। इसका मतलब मिरर में जो भी इमेज दिखती हो कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। नाउ मिरर एंड इट्स टाइप्स, पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं मिरर की। अ पॉलिश शाइनिंग सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द लाइट इंसिडेंट ऑन इट्स इज कॉल्ड अ मिरर। मतलब कोई भी शाइनिंग सरफेस के ऊपर जितने भी इंसिडेंट रहे होंगे वो क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, मिरर। मिरर के भी दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट वन इज अ प्लेन मिरर एंड द सेकेंड वन इज अ स्पेरिकल मिरर्स। नाउ प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए मिरर इज फ्लैट देन द मिरर इज कॉल्ड प्लेन मिरर। मतलब जो सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एकदम कैसी होगी, फ्लैट होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लेन मिरर कहेंगे। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, तो सम कैरेक्टरिस्टिक है वो हम समझ लेते हैं ये प्लेन मिरर की। फर्स्ट वन, द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अभी हमने समझा था वर्चुअल इमेज में कि इमेज जो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होगी वो ऑलवेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड वन, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब अगर आपकी साइज 5 to 10 inches है तो जो मिरर में होगा वो सेम टू सेम वही दिखेगी। थर्ड वन, द इमेज फॉर्म इज एज फार एज बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब प्लेन मिरर के सामने अगर आप सपोज 45 सेंटीमीटर खड़े हो तो जो इमेज मिरर में बनेगी वो भी कितनी होगी, 45 सेंटीमीटर ही होगी। नेक्स्ट वन, द इमेज फॉर्म इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी द राइट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। मतलब लेफ्ट साइड होगी आपको राइट साइड दिखेगी और राइट साइड आपको लेफ्ट साइड दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स समझा देता हूँ कि फर्स्ट वन था कि भाई इमेज जो होगी वो कैसे होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल आपको दिख रही है और इरेक्ट, मतलब ये जो राइट साइड होगी वो हमें कैसे दिखेगी, लेफ्ट साइड होगी, और जो लेफ्ट साइड होगी हमें वो राइट साइड दिखेगी। सेकेंड था, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट द ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे इसकी जितनी साइज है उतनी साइज की हमें इमेज दिखेगी। थर्ड वन, द इमेज फॉर्म इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ इट। मतलब मिरर से यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस मिरर में जो इमेज बनेगी उतना ही डिस्टेंस, ये मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑलवेज कैसा होगा, सेम होगा। द इमेज फॉर्म इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब अभी मैंने समझाया कि ये जो राइट होगा, जो राइट है वो हमें क्या दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा, और लेफ्ट हमें राइट दिखेगा। आई होप आपको मैंने इस वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट समझा है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्फेरिकल मिरर के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।